डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि वो ड्रग जो यूरिन के अंदर सोडियम और वाटर को लॉस करती है। और दूसरी टर्म यूज की जाती है नेट्री यूरेटिक्स। नेट्री यूरेटिक्स सिर्फ होता है जो ड्रग सोडियम को लॉस करे, और डायूरेटिक जो सोडियम और वाटर दोनों को लॉस करती है। सही है। तो इन ड्रगों का एक्शन होता है किडनी के ऊपर, डायूरेटिक्स। और ये ड्रगें यूज की जाती हैं हार्ट की पैथोलॉजी में, यानी हाइपर टेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सेट्रा। अभी मैं इंडिकेशन बता देता हूँ। राइट एंड लेफ्ट किडनी, हर किडनी के अंदर 1.2 मिलियन टू 1.5 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं, और दोनों के अंदर तकरीबन 2.5 टू 3 मिलियन नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन के तीन फंक्शन होते हैं। पहले नंबर पे फिल्ट्रेशन, सेकंड नंबर पे रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड नंबर पे सेक्रीशन। सेक्रीशन ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी कंटिन्यूसली ब्लड किडनी की तरफ लेके आ रही है, और किडनी का फंक्शन क्या होता है, उसको फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट करवाना। ठीक है, ये रीनल पेल्विस और यूरेटर, तीन फंक्शन है। पहला नंबर पे फिल्ट्रेशन, यानी जो भी रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है वो आगे स्मॉल आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगा, फिर आगे आर्ट्रियोल, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरी, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर आगे विन्यूल बनते जाएंगे। उस एरिया पे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो नेफ्रॉन के अंदर आएंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अभी बताऊँ। उसके बाद कुछ मटेरियल जो है मोर देन 99% वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और लिटिल बिट मटेरियल जो है वो सेक्रेट होते हैं, और जितना भी ब्लड जाता है उसका लेस देन 1% जो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है पर मिनट। और ये हार्ट के साथ रिलेटेड है, इसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी का जो फंक्शन है डिपेंड करता है GFR कितना है। GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको निकालने का फार्मूला ये होता है कि ये होता है एडल्ट पर्सन के अंदर तकरीबन 120 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, GFR, और GFR का 1% जो है वो यूरिन की फॉर्म में जाएगा, और मोर देन 99% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। GFR कैसे निकालते हैं ये मैं समझा के फिर आगे ड्रग यूज करता हूँ। तकरीबन 5 लीटर जो है वो अडल्ट पर्सन के अंदर कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट समझाया था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम क्रॉस हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml और हार्ट रेट 70 ml, और ये बनेगा 5 लीटर। उस 5 लीटर में से 20% जो है जो भी कार्डियक आउटपुट है वो किडनी की तरफ जाएगा, राइट और लेफ्ट की तरफ 20%। और 5 लीटर का 20% हो गया 1 लीटर, और 1 लीटर ब्लड के अंदर, यानी 40% ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं और 60% प्लाज्मा होता है। 1 लीटर के अंदर 400 ml जो है वो सेल्स हैं, और सेल कोई भी फिल्टर नहीं होता, और 600 ml जो है वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा जो है उसका 20% जो है वो फिल्टर होगा प्लाज्मा का। 600 ml का 20% कितना होगा, 120 ml। ठीक है, ये GFR निकलता है। अभी इसी किडनी से एक नेफ्रॉन आउटसाइड शो करते हैं, और उसके ऊपर ड्रग हमारी कैसे एक्शन करेंगे। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये जो रीनल आर्टरी है ये आगे डिवाइड होगी, पहले लोबर ब्रांचेज में, फिर लोब्यूलर ब्रांचेज में, फिर आर्क्यूएट ब्रांचेज में, उसके बाद बनेगा एफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल आगे डिवाइड होगा जिसके रिजल्ट में बनेगी कैपिलरी, और कैपिलरी आगे मिलती है तो फिर बनता है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ई फॉर एग्जिट और ए फॉर समझ लो कि ये एंटर हो रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आता है, और इफरेंट एग्जिट लेके आता है, और इसके नीचे ये होता है बोमेन कैप्सूल। ये जो कैपिलरी का नेटवर्क यहाँ पे बनेगा उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये बोमेन कैप्सूल। कंटिन्यूसली ब्लड किडनी की तरफ आ रहा है, और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, उससे मटेरियल फिल्टर होगा, और ये फिल्ट्रेशन जो आगे डाउन साइड जाएगी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से पास करेगी लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो आगे पार्ट हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के दो पार्ट हैं, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक, ये नीचे वाला थिन है और ये थिक। उसके बाद बनेगी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर बनेगी
कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसके बाद बन जाती है कोलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग डक्ट सी है, हर मिनट एवरी मिनट 120 ml फ्लूइड जो है वो पर मिनट फिल्टर हो रहा है यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क, और ये बोमेन कैप्सूल से पास करता हुआ पीसीटी के पास आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से मोर देन 65% मटेरियल जो वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। पहला प्रोसेस था फिल्ट्रेशन, वहाँ से फिल्ट्रेशन होगी और मोर देन 65% पीसीटी से अब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आगे फिल्ट्रेट मटीरियल या लूप ऑफ हेनले के पास जाएगा, लूप ऑफ हेनले से तकरीबन 15-20% मटीरियल इस एरिया से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और फिर मटीरियल जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इससे तकरीबन 5-10% मटीरियल इस एरिया से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो बाकी मटीरियल बचेगा तकरीबन 3-5% वो कलेक्टिंग डक्ट से अब्सॉर्ब होता है, और इस तरह 99% जो मटीरियल है जो फिल्टर हुआ था वो सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कुछ एसिड और कुछ बेस जो हैं वो सेक्रेट किए जाते हैं, जो मटेरियल यानी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के ल्यूमन से ब्लड वेसल, इसके ऊपर ब्लड वेसलों का नेटवर्क होता है, ठीक है, जो मटेरियल ल्यूमन से यानी नेफ्रॉन के ल्यूमन से ब्लड वेसल की तरफ आ रहा है उसको कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन, और ब्लड वेसल से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो नेफ्रॉन के ल्यूमन के अंदर सेक्रेट किए जाते हैं वो है सेक्रीशन, और वो इस फॉर्म में यूरिन के अंदर चला जाएगा, और हर मिनट एवरी मिनट तकरीबन 1 ml अडल्ट पर्सन के अंदर यूरिन बनती है, 1 ml पर मिनट, और इस तरह एक दिन में होते हैं 1440 मिनट यानी 1440 मिनट, और एक मिनट में 1 ml आ रहा है, और एवरेज या अडल्ट पर्सन के अंदर 1.5 लीटर यूरिन पर डे प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो इसकी रीडिंग होती है 0.5-3 लीटर तक, यानी 0.5 लीटर से 3 लीटर तक यूरिन नॉर्मल है अडल्ट पर्सन के अंदर, अगर 3 से ऊपर चली जाए तो फिर हो जाएगा पोलीयूरिया, अगर 0.5 यानी 0.5 लीटर से कम हो जाए तो उसको कहते हैं ओलिगोयूरिया, अगर 100 ml या 150 ml से कम हो जाए तो उसको कहते हैं एनयूरिया, जो यूरिन बिल्कुल आपसे होती है, ठीक है, एटलीस्ट 500 ml यूरिन एवरी डे हर पर्सन में प्रोड्यूस होनी चाहिए, अगर नहीं प्रोड्यूस होती तो उसका मतलब है किडनी फंक्शन नहीं कर रहा और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अभी इधर मैं समझाता हूँ कि किस तरह मटेरियल की रीअब्सॉर्प्शन होती है और हमारी ड्रगें कैसे एक्शन करेगी, सही है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल और नीचे कोलेक्टिंग डक्ट, और कोलेक्टिंग डक्ट क्या है यहाँ पे आते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस था, अब किडनी के भी आगे पार्ट बनते हैं ना, और आउटर मोस्ट क्या उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है मिडुला, जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है वो इस एरिया में होता है। अब नेफ्रॉन की भी फिजियोलॉजी में क्लासिफिकेशन की जाती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तकरीबन 7/8 जो है यानी आप कह सकते हो मोर देन 70% नेफ्रॉन कॉर्टिकल होते हैं, और 1/8 जो है वो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं, ठीक है, जिस नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स यानी बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स कॉर्टिकल एरिया में हो उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिसका इस एरिया में हो यानी मेडुलरी रीजन के पास हो उसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, सही है। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये सेल है, ठीक है, इसी तरह लूप ऑफ हेनले के अंदर भी कॉलमनर सीलिएटेड सेल है, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी इस तरह के ये सेल है, और इन सीलिएटेड सेलों का फंक्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रीअब्सॉर्ब करना, और इस तरह ये कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी सेल है, चार टाइप के सेल डाटा भी चारों रीजन में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले के ये थिन लिंब है डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग और ये थिक असेंडिंग, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कोलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बताया कि मोर देन 65% मटेरियल जितना भी फिल्टर होकर आएगा उसने इस एरिया में जो ब्लड वेसल है उसके अंदर रीअब्सॉर्ब होना है,
और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से 65% सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, 45% क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है और मोर देन 95% बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होता है। सी रेडी हैंड लिखा हूँ HCO3 नेगेटिव मोर देन 95% सोडियम मोर देन 65% प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड क्लोराइड मोर देन 45%। अब बॉडी के अंदर ये एक जनरल रूल है, जिस साइड पे भी सोडियम जाता है वाटर हमेशा उसको फॉलो करता है। तो अब जो मटेरियल इस एरिया में फिल्टर हो रहा है 120 ml/min, तो उसमें से 65% सोडियम जब रीअब्सॉर्ब होगा तो 65% जो यूरिन के अंदर वाटर जा रहा था वो भी इस एरिया से मूव करके ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से तकरीबन 65% मटेरियल सारा रीअब्सॉर्ब होता है। और अब जो ब्लड वेसल है उससे 100% ग्लूकोज फिल्टर हो जाती है, जितनी भी ग्लूकोज होती है, और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाती है नॉर्मल पर्सन के अंदर। और जब डायबिटीज प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा फिल्टर होगी, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज के कैरियर हैं जो रीअपटेक करते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो ग्लूकोज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब नहीं होती तो वो यूरिन में जाना शुरू हो जाती है। नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर 100% ग्लूकोज इस वजह से रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब ड्रगें कौन सी एक्शन करती हैं यहाँ पर, डायूरेटिक ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है नंबर वन, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप इनके लिहाज से नाम दे रहा हूँ। पहले नंबर पे है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ग्रुप, और इस फिगर के लिहाज से ये नंबर वन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें दो ड्रगें हैं एसीटाज़ोलामाइड एंड डोरज़ोलामाइड, ये दो ड्रगें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं, और इनका एक्शन क्या है याद रखना है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। और मैकेनिज्म कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड ग्रुप जो इस फिगर के लिहाज से आ रहे हैं वो है लूप डायूरेटिक्स, जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्शन करती है, लूप डायूरेटिक्स। और इस ग्रुप में ड्रगें हैं फ्यूरोसिमाइड, इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूमेटानाइड, फ्यूरोसिमाइड एंड टोरसिमाइड, चार ड्रगें हैं इस ग्रुप में। ठीक है, और ज्यादा जो है ना ये फ्यूरोसिमाइड यूज होती है, तो इसलिए मैंने ये दो ड्रगें फ्यूरोसिमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग हैं इसमें, ब्यूमेटानाइड पहले नंबर पे, नंबर टू इथाक्राइनिक एसिड, नंबर थ्री फ्यूरोसिमाइड एंड नंबर फोर टोरसिमाइड, चार ड्रग हैं, लेकिन फ्यूरोसिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड ज्यादा यूज होती है लूप डायूरेटिक, इनका एक्शन इस पॉइंट पे होगा। थर्ड नंबर ये फिगर के लिहाज से है, इसके ऊपर जो ड्रग एक्शन करती है उनको कहते हैं थायाज़ाइड डायूरेटिक्स, और ये ड्रगें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इनमें ड्रगें हैं हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड सबसे ज़्यादा यूज होती है, हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड यानी इन ड्रगों के साथ थायाज़ाइड आ रहा है। और जो लूप डायूरेटिक्स हैं उनके लास्ट में माइड आता है, यानी ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसिमाइड, टोरसिमाइड, ब्यूमेटानाइड वो नाइड आ रहा है, ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसिमाइड एंड टोरसिमाइड। और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं उनके लास्ट में आता है अमाइड, एसीटाज़ोलामाइड, डोरज़ोलामाइड, अमाइड आ रहा है, और इसमें थायाज़ाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड, क्लोरोथायाज़ाइड, क्लोरोथैलिडोन, सही है। उसके बाद एक लास्ट में ग्रुप आएगा
उनको कहते हैं पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, वो इस लास्ट टर्मिनल एंड के ऊपर एक्शन करेंगी, पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। और उस ग्रुप में ड्रग आएंगी पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। स्पेरिंग का मतलब है कि ये पोटासियम को रिजर्व करती हैं, पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इसमें एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन का एंटागोनिस्ट ड्रग है जिसका नाम है स्पिरोनोल एक्टोन, स्पिरोनोल एक्टोन। उसके बाद ड्रग है एप्लेरिनोन, एप्लेरिनोन। उसके बाद ड्रग है अमाइलोराइड। उसके बाद ड्रग है ट्राइएम्टिरिन, ट्राइएम्टिरिन। ठीक है, ये चौथा ग्रुप है। और एक पांचवें ग्रुप में ड्रग यूज होती है वो इन, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आप समझ लो वो पांचों पॉइंट पे एक्शन करती है। उस ड्रग का नाम है मानिटोल, मानिटोल। और इसको कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मानिटोल। ये पांचवा नंबर है, ठीक है। ये डायूरेटिक ड्रग है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ फिगर के लिहाज से। ग्रुप नंबर वन